चंडीगढ़ में उस वक्त तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए जब हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और अशोक तंवर समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और इसी के विरोध में विधानसभा का घेराव कर रोष जताने की कोशिश की जा रही थी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं चंडीगढ़ की, जब अशोक तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदर्शन किया और जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन्हें पुलिस ने रोका। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालात वहाँ पर तनावपूर्ण बन गए थे और पुलिस को वहाँ पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि अशोक तंवर समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बकायदा एक बिल्डर को दे दिए 40 एकड़ जमीन, उस बात को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन था और मैं समझता हूँ इससे बारी बुरी बात नहीं हो सकती है। हम लोगों पे लाठी चार्ज भी यहाँ पे हुआ है। हाँ, ये भी किया है जबकि हम लोग पीसफुली चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मॉर्गेज बैंक को मात्र 7 लाख रूपये में दे दिया, जिसकी कम से कम 35 लाख रूपये बैंक साहब जाना चाहिए था। मेट्रो का रूट बदल दिया और मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी है वो स्वयं लिख के भेज रहा है कि भाई ये जो ग्वाल पहाड़ी के अंदर जो जमीन है वो मेट्रो वैली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दी जाए। तो ये कम से कम 15,000 से लेकर 2,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 15,000 से 20,000 करोड़ का ये घपला है। हम चाहते हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। ग्वाल पहाड़ी के अंदर गुरुग्राम में भी आप लोग प्रदर्शन करेंगे, आगे क्या रहेंगे? आगे हम गुरुग्राम में भी करेंगे और सब जगह करेंगे। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा का घेराव करने जब कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जी बिल्कुल वरुण, अगर बात करें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जो अशोक तंवर, उनकी अध्यक्षता में जो आज जिस तरह से घेराव करने के लिए जा रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, हजारों के करीब कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही कहीं ना कहीं बैरिकेड जो लगाए हुए थे पुलिस की तरफ से वो तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस की ओर से जो है बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। हालांकि कांग्रेसी वर्कर जो लगातार बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे जिसके चलते पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से लेकर 5 जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वो घायल हुए हैं। फिलहाल जो है अशोक तंवर, कैप्टन अजय यादव सहित कई नेताओं को जो है पुलिस ने सेक्टर 17 जो थाना है वहां अपनी हिरासत में ले लिया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के उनको हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। जी दीपक, ये जो हालात बने वहां पर, क्या एक जगह जहाँ इन्हें रोका गया था उससे भी आगे बढ़ते रहे ये कार्यकर्ता? जी बिल्कुल वरुण, अगर बात करें तो सेक्टर 17 का जो आरबीएल बैंक है बिल्कुल उसके सामने ये प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसके सामने ही बिल्कुल बैरिकेटिंग लगाई हुई थी पुलिस ने, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपना रूट चेंज किया और दूसरी तरफ से जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ना शुरू किया और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और जैसे ही ये नहीं रुके तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके कारण जो है कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए। जी दीपक, एक बड़ा सवाल ये कि क्या हरियाणा कांग्रेस की एकजुटता नजर आई? क्या सभी नेता थे साथ में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अशोक तंवर के साथ जो तमाम अशोक तंवर ग्रुप के नेता वो इस जो प्रदर्शन है उसमें नजर आए। कैप्टन अजय यादव की बात करें, नरेश कौशल की बात करें तो तमाम जो तंवर ग्रुप के नेता थे वो इसमें नजर आए। हालांकि अपने संबोधन तो जो था कैप्टन अजय यादव का, उन्होंने एक बार फिर अपने संबोधन में भी दोहराया कि जिस तरह से अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी, उसको लेकर अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जो पार्टी के नेता है वो पार्टी फोरम पर बात करें, बाहर ना बात करें। इस तरह का संबोधन करते जो कैप्टन अजय यादव नजर आए। जी क्या इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है अभी? जी वरुण, सैकड़ों के करीब कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनके साथ जो अशोक तंवर है प्रदेश अध्यक्ष, कैप्टन अजय यादव है पूर्व मंत्री, सत्रों फिलहाल जो सेक्टर 17 है चंडीगढ़ का, सेक्टर 17 के थाने में रखा गया है, सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल थाने में ही जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जो है फिलहाल जारी है। जी यानी कि जो मौजूदा स्थिति अभी बनी हुई है उसमें जो प्रमुख नेता है कांग्रेस के उन्हें हिरासत में लिया गया है।
जी बिल्कुल, अगर बात करें जो अशोक तंवर है प्रदेश अध्यक्ष, उनको हिरासत में लिया गया है। कैप्टन अजय यादव है, उनको हिरासत में लिया गया है। नरेश कौशल, तमाम जो तंवर गुट के तमाम जो नेता है उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है, और उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त सेक्टर 17 के थाने में मौजूद हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। जी, वादा खिलाफी और जो दूसरी बातें हैं, इसके अलावा करप्शन के आरोप भी लगा रहे थे, हमने सुना अजय यादव को, जिस तरह की बात उन्होंने की। जी बिल्कुल, तमाम आरोप जो है जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उस पर लगाए गए। कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था जो गुरुग्राम से ग्वाल पहाड़ी जो घोटाला है उसको लेकर प्रदर्शन किया गया है, और तमाम आरोप लगाए गए कि बीजेपी के जो अपने नेता हैं कहीं ना कहीं इस घोटाले पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम से जो मानेसर जो रूट है मेट्रो का, उसको परिवर्तित किया गया, ग्वाल पहाड़ी घोटाला है, उसको लेकर तमाम आरोप जो है मौजूदा सरकार पर लगाए गए। जी दीपक, क्या सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से इस विरोध प्रदर्शन पर कोई प्रतिक्रिया आई है? जी फिलहाल अगर वरुण बात करें तो हम इस वक्त सेक्टर 17 थाने में मौजूद हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से फिलहाल विधानसभा के सत्र जो चल रहा है इसके तुरंत बाद ही जो है कोई ना कोई प्रतिक्रिया आने की उम्मीद जरूर है। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के नेतृत्व में, और उन्हें यहां पर रोका गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी वहां किया गया, हिरासत में लेकर सेक्टर 17 के थाने उन्हें ले जाया गया है।